नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक लगातार आप तक पहुंचा रहा है। मुंबई से यह खबर है जहां पर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अब से कुछ देर पहले ही ऐश्वर्या और आराध्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल ऐश्वर्या और आराध्या दोनों अपने घर जलसा में ही मौजूद हैं, जबकि अमिताभ बच्चन और अभिषेक इस वक्त नानाभटी अस्पताल में भर्ती हैं और दोनों की तबीयत स्थिर है। आपको बताते चले, देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है बच्चन परिवार के लिए कि जल्द से जल्द ये सभी ठीक हो जाएं। आपको बता दें, 70 साल से ज्यादा की उम्र है, 77 साल के हैं अमिताभ बच्चन। आराध्या बहुत छोटी है, 8.5 साल की उनकी उम्र है। यकीनन परिवार के लिए ये चिंता का सबब, क्योंकि डॉक्टर्स की ओर से लगातार जब से कोरोना शुरू हुआ तब से इस बारे में सलाह दी जाती रही कि 70 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए और 10 साल से छोटे जो लोग हैं वो एक तो घर से बाहर नहीं निकले। जब तक लॉकडाउन था बहुत बहुत सख्त नियम इस उम्र के लोगों के लिए लागू किए गए थे, लेकिन इन सब के बीच ये 4 तस्वीरें और पूरा देश इस वक्त दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द परिवार के सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन पूरे स्वस्थ होकर अपने ही अंदाज में घर वापसी करें और वहीं ऐश्वर्या और आराध्या भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। पूरे देश की यही दुआ है, यही प्रार्थना है, यही ईश्वर के सामने लगातार निवेदन। ये 4 अलग-अलग तस्वीरें, 4 पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये एक अच्छी खबर। जया बच्चन की भी कोरोना टेस्ट कराई गई थी, कल भी नेगेटिव आई थी और जो दूसरा टेस्ट किया गया वो टेस्ट भी नेगेटिव है। आपको बता दें, इसके पहले अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस और फॉलोअर्स को जानकारी दी कि वो ठीक है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनके पूरे परिवार का कोरोना पॉजिटिव हो गया और बीएमसी उनके टच में है। अभिषेक बच्चन इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कल मेरे पिताजी और मैं कोरोना से संक्रमित हो गए। हम दोनों को कोरोना के हल्के लक्षण हैं और हम अस्पताल में भर्ती हैं। हमने सभी संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है और हमारे परिवार स्टाफ के लोगों का कोरोना टेस्ट भी हो चुका है। अभिषेक बच्चन ने कल सोशल मीडिया के जरिए ये तमाम बातें लिखी थी। बीएमसी उनके संपर्क में है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि शांत रहें और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बताते चलें, मुंबई महानगर पालिका ने अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। बीएमसी के अधिकारियों ने अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर बकायदा इसका नोटिस भी लगाया है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना वायरस संक्रमण पाए जाने के बाद बंगले को फौरी तौर पर सैनिटाइज भी किया जा चुका है, लेकिन बंगले के भीतर इस वक्त अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या और उनकी बेटी यानी कि ऐश्वर्या और आराध्या इस वक्त बंगले में ही हैं। उनको होम क्वारंटाइन अभी तक रखा गया है, लेकिन चूंकि आराध्या अभी छोटी हैं, उनकी उम्र कम है, 10 साल से कम उम्र की हैं, 8.5 साल की हैं, ऐसे में क्या फैमिली डॉक्टर सलाह देंगे उन्हें अस्पताल ले जाने का या फिर होम क्वारंटाइन ही उनको रखा जाएगा। क्योंकि जिनके भीतर लक्षण नहीं होते हैं यानी कि जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर्स की ओर से भी बार बार यही बातें रखी गई हैं सामने कि जिनमें लक्षण नहीं है उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। होम क्वारंटीन रहकर भी वो तमाम एहतियाती उपाय अपनाकर और कुछ मेडिसिन लेकर पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो क्या ऐश्वर्या और आराध्या, जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, क्या उनके लिए डॉक्टर्स यही सलाह देंगे कि वो घर पर ही रहें और वहां पर ही अपनी सेहत का ख्याल रखें या फिर उनको भी हॉस्पिटल ले जाया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन बकायदा ट्वीट करके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है कि ऐश्वर्या और आराध्या भी COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं मुंबई का। विद्या हमारी सहयोगी पल-पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। विद्या, लगातार मुंबई में एक तो झमाझम बारिश हो रही है, मुश्किल से आपसे कनेक्शन भी जुड़ पा रहा है हमारा, लेकिन ये बताइए अभी स्थिति क्या है? क्या घर में ही रहेंगे, होम क्वारंटीन रहेंगे और वहीं पर ट्रीटमेंट किया जाएगा ऐश्वर्या और आराध्या का? विद्या जी, देखिए अभी तक कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट तो ऐसा होता नहीं है, अभी भी सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट ही होता है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये लोग एसिम्प्टोमैटिक है यानी कि इनको कोई लक्षण नहीं दिख रहे, ऐश्वर्या और आराध्या दोनों ही नॉर्मल है, जस्ट बिकॉज उनके जो पिताजी हैं और उनके दादाजी हैं आराध्या के, तो उसकी वजह से उनकी टेस्टिंग हुई है और उसमें पता चला है कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन क्योंकि उनको सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं है, इसी वजह से बीएमसी के अधिकारियों ने साफ कहा है कि आप लोग घर में ही रहिए, आइसोलेट रहिए, यानी कि आप किसी जो जया बच्चन है जैसे उनसे ना मिले,
जया बच्चन नेगेटिव आई हैं, लेकिन उनसे अगर ये लोग मिलेंगे तो हो सकता है उन्हें इन्फेक्ट कर दें। तो इसी वजह से स्ट्रिक्ट आइसोलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सब लोग जानते हैं बड़ा सा बंगला है बच्चन साहब का, तो इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब के सब जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके भी टेस्ट हुए हैं, उनके रिपोर्ट भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर कितने लोग हैं जो पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं। लेकिन फिलहाल जो परिवार के जो अहम लोग हैं उनका रिपोर्ट आ चुका है और उनको पॉजिटिव हैं, तो इसकी वजह से उन्हें होम आइसोलेशन बात कही गई है बीएमसी की तरफ से। चलिए मैं दोबारा विद्या आपका रुख करती हूँ। इस वक्त साहिल जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, अभी तक अपने घर में ही हैं और माना जा रहा है कि चूंकि लक्षण नहीं है इस वजह से घर में ही ट्रीटमेंट दिया जाए और वहीं पर ठीक हो जाए, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक हैं और ज्यादा परेशान होने की जरूरत कम से कम ऐश्वर्या और आराध्या को लेकर होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल दोनों ठीक है। देखिए, ये प्रोटोकॉल है बीएमसी का, आमतौर पर सारे लोग अस्पताल में भर्ती ना हो और अस्पताल के बेड्स पूरी तरीके से ना भर जाए, इसके लिए जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है और जिनकी उम्र के हिसाब से कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है तो वो घर पे ही होम क्वारंटाइन रहकर भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उनका दोबारा टेस्ट हो सकता है 4-5 दिन के बाद तो ये चेक करने के लिए कि क्या उनके सिम्टम्स आगे बढ़े हैं या फिर कोविड की सिचुएशन उनकी ठीक हो गई है। तो इसके लिए होम क्वारंटाइन रहना, यही बीएमसी का आमतौर पर असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए हमेशा से ये रहा है। तो यही बात परिवार को कह दी गई है, हालांकि अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही वो इसके बारे में आगे का फैसला लेंगे। जहां तक अमिताभ बच्चन की बात है, जो वो कल जब पॉजिटिव उनका रिपोर्ट आया तब उन्हें थोड़ी सांस की तकलीफ हो रही थी, जो उनके ऑक्सीजन लेवल है वो 95 तक पहुंची थी, तो जिसके चलते डॉक्टर्स ने उनकी कोमॉर्बिड कंडीशन, उनकी उम्र ये देखते हुए उन्हें कहा कि आप तानावटी अस्पताल भर्ती हो। उसके साथ साथ अभिषेक बच्चन जिन्हें थोड़ा बुखार था, तो जिसके चलते अभिषेक को भी यही सलाह दी गई कि आप भी अस्पताल में भर्ती हो जाए अपनी पर्सनल गाड़ी से, किसी एम्बुलेंस से नहीं, तो अपनी पर्सनल गाड़ी से वो नानावटी अस्पताल में कल भर्ती हुए थे, जिसके बाद में पूरे परिवार का आरटीपीसीआर का टेस्ट कराया गया, बाकायदा टेस्ट कराया गया और उसके रिजल्ट्स दरअसल 4 बजे के करीब आने थे, लेकिन उससे पहले ही ये रिजल्ट हाथ में आए। बीएमसी की तरफ से हमें कंफर्मेशन मिला है कि ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या, ये दोनों उसमें पॉजिटिव निकले, जबकि परिवार के बाकी सदस्य इस टेस्ट में निगेटिव उनका टेस्ट आया है और वो अपने घर पर रहकर ही अपना इलाज करा सकते हैं। हालांकि परिवार को यह तय करना है, क्योंकि परिवार अपने डॉक्टर से बात करने के बाद इसके बारे में फैसला लेगा, लेकिन अभी फिलहाल वो नानावटी अस्पताल में नहीं है। अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन एक ही फ्लोर पर, उन्हें अलग अलग कमरों में स्पेशल कमरा उन्हें दिया गया है नानावटी अस्पताल में। उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक है, यह भी उनको कहा गया है, यह भी हमें बताया गया है। और अभिषेक को काफ़ी माइल्ड तरीके के सिम्टम्स हैं, अमिताभ बच्चन भी उनकी तबीयत भी काफ़ी स्टेबल और ठीक है, ये हमको अस्पताल की तरफ से कहा गया है। बीएमसी ने अब तक बच्चन परिवार के जो तीनों मकान हैं मुंबई में, जो आसपास ही है जुहू इलाके में, इन तीनों मकानों को सुबह से सैनिटाइज किया है। उसके साथ साथ अभिषेक बच्चन वर्सोवा में जिस डबिंग स्टूडियो में जाकर डबिंग कर रहे थे पिछले 10 दिन से, उस स्टूडियो को भी सैनिटाइज किया गया है। 26 लोग हैं कि जिन्हें जिनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक तरीके से किया गया बीएमसी की तरफ से कल के बाद, उन सबका टेस्ट लिया गया था और उसके टेस्ट के नतीजे जो आए हैं वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चन परिवार के जो बाकी उनका स्टाफ है उनका भी टेस्ट कराया गया था, उनका भी टेस्ट कल ही कराया गया था, उनके भी रिजल्ट अभी आए हैं। हालांकि बच्चन परिवार के घर सील कर दिए गए, जो एक पोस्टर लगाया जाता है बीएमसी की तरफ से कि इस घर में कोविड पॉजिटिव है, यहां पर जाते समय आप ध्यान रखें, तो उस तरीके से वो घर सील किया गया, क्योंकि वो इंडिविजुअल मकान है जिसके वजह से वो पूरा घर सील किया गया, उसके बाहर उस तरीके से बोर्ड भी लगाया गया है। तो अब आगे की कार्रवाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कहने के अनुसार होगी। नानावटी अस्पताल के पास अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या ऐश्वर्या और आराध्या दोनों अस्पताल में भर्ती होंगे या घर पर रहकर होम क्वारंटाइन की तरह उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन डॉक्टर्स लगातार, साहिल, जो जानकारी देते रहते हैं जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं है उनको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ एहतियात वो घर में ही बरते तो वो कुछ ही दिनों के भीतर ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, वायरस शरीर में जाने से लेकर 14 दिनों के भीतर उसके लक्षण दिखने लगते हैं,
इसीलिए आपने जानकारी दी कि 5 दिनों के बाद फिर इनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या कोई लक्षण दिख रहे हैं या फिर ये दोनों लोग ठीक हैं। साहिल देखिए, दोनों ही असिम्टोमेटिक है, जो मुझे बीएमसी के अधिकारियों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक ऐश्वर्या और आराध्या दोनों पूरी तरीके से असिम्टोमेटिक है। जो अभिषेक बच्चन है वो भी माइल्ड सिम्टम्स उनमें है, थोड़ा बुखार उन्हें था, बाकी उनकी कंडीशन काफ़ी ठीक है, ना उन्हें कोई ब्रेथलेसनेस या उस तरीके की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और इसीलिए लेकिन चूंकि उनको सिम्टम्स थोड़े से थे, यानी जैसे बुखार उन्हें था कल जब उनका टेस्ट कराया गया था, तो जिसके चलते उन्हें एडवाइस किया गया कि आप अस्पताल में भर्ती हो, और इसीलिए वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। जो प्रोटोकॉल आप कह रही है वही है, डॉक्टर आमतौर पर कहते हैं कि अगर आप असिम्टोमेटिक है और आपका घर में उतनी जगह है, आप घर में रहकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कई लोग मुंबई में इस तरीके की ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो आप घर में रहकर भी उस तरीके से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और लगता है कि वही ट्रीटमेंट के लिए ऐश्वर्या और आराध्या दोनों वही टाइप की ट्रीटमेंट लेंगे। लेकिन अभी तक हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आखिरकार वो परिवार को अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ये फैसला लेना है। हालांकि उन्हें पूरी तरीके से सेपरेशन में, आइसोलेशन में रहना होगा, घर के बाकी जो सदस्य हैं उनको भी उसी तरीके से आइसोलेशन में रहना होगा। और उसके साथ साथ जो अमिताभ बच्चन, क्योंकि उनकी उम्र है तो जाहिर सी बात है उन्हें कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, इससे पहले भी वो नानावटी अस्पताल में पिछले साल भर्ती हुए थे, ये सब चीज़ के चलते जाहिर सी बात है कि उन्हें अस्पताल में जाना लाजमी था, और अस्पताल में मॉनिटरिंग में रखना ये लाजमी था, और उसी के वजह से वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। अब मैंने जैसे कहा कि अभिषेक बच्चन लगातार अपने घर से बाहर निकल रहे थे, उनकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है तो उसके डबिंग के लिए, बाकी जो प्रोडक्शन था उसके लिए वो बाहर निकल रहे थे, तो जिस स्टूडियो में वो जाया करते थे बैंड्रा वर्सोवा में, वो स्टूडियो है, उस स्टूडियो को भी सैनिटाइज कर दिया गया है। और ये ऐसी चीज़ है कि जो आपको कॉन्टैक्ट कहाँ से होगा उस चीज़ का, ये कहना काफ़ी मुश्किल होता है। कई घटनाएं ऐसी भी है कि जो घर से बाहर नहीं निकले, सिर्फ सब्जी लेने के लिए या कोई इसेंशियल चीज़ें लेने के लिए बाहर निकले, और उन्हें भी इस तरीके से वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं बाद में, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। लेकिन चूंकि ये बच्चन परिवार है, पूरे देश की नज़र उन पर है, उनके ट्रीटमेंट पर पूरे देश की नज़र है, तो जाहिर सी बात है कि बीएमसी भी उसमें लगातार ध्यान रखे हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और बच्चन परिवार से पूरे देश का, देश के लोगों का एक अलग ही लगाव और नाता रहा है। बिल्कुल खुद से जुड़ा हुआ महसूस इस परिवार के साथ हर एक व्यक्ति, चाहे वो कितना आम गांव में रहने वाला हो या फिर बहुत खास बड़े बड़े शहरों में रहने वाला हो, इस परिवार से उसका एक अलग ही नाता रहा है। यही कारण है कि हर जगह इस परिवार के स्वस्थ होने की, जल्दी ठीक होने की कामना की जा रही है। विद्या भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, आपकी ओर से कोई और जानकारी? और एक बार अब ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देखिए भजन कीर्तन करके कैसे अमिताभ बच्चन के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की जा रही है, उनके पूरे परिवार के लिए यहां पर प्रार्थना की जा रही है। मैं चाहूंगी कि वाराणसी जो तस्वीर आई है, एक बार उसका एम्बियंस भी हम अपने दर्शकों को सुनाएं, किस तरह से पूजा पाठ के जरिए पूरे परिवार के स्वस्थ होने की इस वक्त कामना की जा रही है। तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से ढोलक के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि कोरोना की जंजीर को तोड़कर निकलेंगे अमिताभ बच्चन। आप ये भावना है देश के हर एक लोगों की। हालांकि ये तस्वीर उसकी एक वानगी हो सकती है, लेकिन तमाम लोग इस वक्त यही सोच रहे हैं कि इस परिवार ने, खासतौर से अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। भीलवाड़ा की ये तस्वीरें, लेकिन हर बार उन्होंने शानदार जानदार तरीके से वापसी की, और एक बार फिर से मुश्किलों भरा वक्त ये जरूर है, लेकिन अमिताभ बच्चन के ही शब्दों में, गुजर जाएगा ये वक्त भी, गुजर जाएगा। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। विद्या, आपके पास लौटते हुए, अब प्रार्थना दुआओं का दौर जारी है, क्योंकि दवा के साथ दुआओं की भी बहुत जरूरत होती है, और देश के लोग अपनी भावनाओं को किस कदर इस परिवार के साथ जोड़कर रखते हैं, इन तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं। देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है कि जल्द से जल्द पूरा परिवार ठीक हो जाए। विद्या जी, बिल्कुल यही कामना मुंबई में भी कई जगहों पर देखने को मिली। हालांकि लॉकडाउन है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो नहीं पाते हैं, शायद इसी वजह से यहाँ पर, जहाँ पर हम खड़े हैं इस वक्त नानावटी में, वहाँ पर उनके जो फैंस हैं वो नहीं आ पाए, या फिर उनका घर कह लीजिए वहाँ पर भी लोग नहीं आ पाए।
लेकिन दुआएं सबकी एक साथ यहाँ पर हैं बच्चन परिवार के साथ। यही हमें सोशल मीडिया पे भी देखने को मिला, कई जगहों पर मंदिरों में लोग इकट्ठा हुए। हालांकि मंदिर और सब जगहों पे जाना मना है, लेकिन फिर भी एक दो लोग ही जाकर वहां पे प्रार्थना जरूर कर रहे हैं। भारत बाहर से ही जरूर, क्यों नहीं, सही, लेकिन प्रार्थना हर दिल से इस वक्त अमिताभ बच्चन की ठीक होने, अभिषेक बच्चन के ठीक होने और ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या के ठीक होने के लिए ही अभी फिलहाल की जा रही है। और ये तीन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वाराणसी, भीलवाड़ा और कोलकाता की ये तस्वीरें हैं। आपको बताते चले, बहुत सारी बंगाली फिल्मों में भी काम किया है ऐश्वर्या राय बच्चन ने, हर जगह इस वक्त दुआओं का दौर जारी है। आपको बता दें कि 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलुरु में ऐश्वर्या राय बच्चन का जन्म हुआ। 2009 में उनके शानदार अभिनय काम को देखते हुए पद्मश्री अवार्ड भी उनको नवाजा गया था। 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी हुई थी। इस वक्त उम्र 46 साल की है ऐश्वर्या राय की। लक्षण उनके भीतर नहीं देखे जा रहे हैं कोरोना के, लेकिन चूंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इसलिए होम क्वारंटीन ही रखा गया है। आपको ये भी बताते चलें कि ऐश्वर्या ने हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली और कई अंग्रेजी फिल्मों में काम किया है। उनकी पहली फिल्म इरुवर, जो कि तमिल भाषा में बनी थी, मणि रत्नम ने उसको निर्देशित किया था। वहीं उनकी हिंदी पहली फिल्म थी और प्यार हो गया, लेकिन हम दिल दे चुके सनम, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके बाद उनका सितारा बुलंद होता चला गया और ऐश्वर्या राय बच्चन ने जिस तरह की बड़ी लकीर खींची बॉलीवुड के भीतर, उसको भर पाना किसी भी दूसरी अभिनेत्री के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा। ये चार अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इन चारों के लिए देश भर में प्रार्थना का, दुआओं का दौर भी लगातार जारी है।